आप देख रहे हैं मीडिया पंच, देश का विश्वसनीय डिजिटल चैनल। कोतवाली इकोटेक 3 के सरस्वती एनक्लेव कॉलोनी में 28 अगस्त को हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने डकैती में शामिल टोपी गैंग के दो बदमाशों को पुस्ता रोड पर हुए मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों बदमाशों ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश कर रही है। पिछले हफ्ते 28-29 अगस्त के बीच थाना इकोटेक 3 के अंतर्गत एक डकैती की घटना हुई, जिसमें 7 से 8 गुंडे एक घर में घुसकर उन्होंने कुछ सोने की ज्वेलरी और कुछ कैश वो ले गए थे। उसी घटना का सफल अनावरण हुआ। आज शाम को चेकिंग करते समय थाना इकोटेक 3 में सूचना मिली कि कुछ शातिर बदमाश पुस्ता रोड की तरफ से जा रहे थे। जब उन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया तो पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उनको गोली मारी और उनके पैर में दोनों की गोली लगी। उन दोनों का नाम आमिर और गोलू है। यह टोपी गैंग के मेंबर और यह लोग टोपी पहनकर जो चप्पल पहनकर ये लोग लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते हैं। सर, इससे पहले का कोई आपराधिक इतिहास? इन लोगों के गैंग के अंतर्गत कई सारे हमें अपराध मिले हैं और ये लोग 8 से 10 लोगों का एक संगठित गिरोह है जो मिलकर चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देता है। इस घटना के अनावरण के लिए हम लोगों ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि पुस्ता क्षेत्र में कैमरे कम होते हैं, तो हम लोगों ने रूट मैपिंग के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। साथ ही साथ इनके पास जो चप्पलें थी, घटनास्थल के पास इनकी चप्पलें बरामद हुई थी, तो हम लोगों ने उसका भी उसको बरामद किया और डॉग स्नाइपिंग की मदद से हम लोगों ने इनका रूट भी आइडेंटिफाई किया। इसके अलावा हम लोगों ने जब स्थल निरीक्षण किया तो एक व्यक्ति ने बताया था कि एक ओला गाड़ी, वाइट कलर की स्विफ्ट एक गाड़ी देखी गई थी। तो हम लोगों ने ओला उबर दोनों ही कंपनियों से कॉन्टैक्ट किया और उस दिन की कैब्स की जो भी लोकेशंस थी और जो भी रूट थे हमने वो भी आइडेंटिफाई किया और उससे हमको यह गाड़ी ट्रेस हुई जो इस घटना में इस्तेमाल हुई थी। इसके अलावा हम लोगों ने ITMS के माध्यम से भी इन गाड़ियों की ट्रेसिंग करी है। इनके पास से करीब करीब 2 तोला सोना बरामद भी हुआ है और इनके पास से करीब 37,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है। अन्य जो इसमें अभियुक्त हैं जो फरार हो गए, जल्दी उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाए। सर, कितने लोग थे और किस चीज़ में ये लोग आए थे? एक ही गाड़ी में आए थे, अलग अलग गाड़ी? यह लोग एक गाड़ी में और एक मोटरसाइकिल में आए थे, दोनों ही हमें बरामद हो चुकी हैं। कितनी टीम टोटल कितनी टीम लगी थी? इनके ही एक गैंग मेंबर जिसका नाम हम लोगों ने इसमें नहीं लिखा है क्योंकि उसकी अभी गिरफ्तारी होनी बची है, वो उसकी ही गाड़ी और ये लोग घर को रेखी करने के लिए कई बार रेडी लगाते हैं और कई बार ये लोग घर की रेखी करने के लिए कैब भी चलाते हैं। टोटल कितनी टीम लगी थी और कितने कैमरों का देखा गया? करीब करीब 500 से ऊपर कैमरे देखे, 10 के ऊपर टीमें पिछले एक हफ्ते से लगातार निरंतर इस गैंग को वर्कआउट करने में लगी। ठीक है। और